लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने से पहले ही उनका सुरक्षा तंत्र गुजरात पहुंच चुका है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के जवान अहमदाबाद के कई होटलों में ठहरे हुए हैं। वे यहां भारत की एलीट कमांडो फोर्स एनएसजी और चेतक कमांडो फोर्स के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। 22 किमी लंबे रोड शो के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अलावा भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और गुजरात पुलिस की चेतक कमांडो फोर्स तैनात होगी। चेतक कमांडो फोर्स का गठन 2008 में मुंबई हमले के बाद हुआ था। गुजरात पुलिस के जवान इसराइल में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चेतक कमांडो फोर्स का हिस्सा बनते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पटना में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की रैली में आतंकी हमला हुआ था। तब गुजरात सरकार ने केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्र ने एनएसजी की सुरक्षा को पर्याप्त बताकर राज्य सरकार की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चेतक कमांडो फोर्स के जवानों को तैनात किया था। इनमें से कई जवानों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग के लिए इसराइल भी भेजा गया। एनएसजी के जवान भी ट्रंप की सुरक्षा में रहेंगे तैनात। भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम भी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साथ ट्रंप की सुरक्षा में तैनात रहेगी। बता दें कि एनएसजी ने आतंकवाद, अपहरण और शहरी छद्म युद्ध के खिलाफ अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। बता दें कि एनएसजी की स्थापना 1984 में अपहरण जैसी घटनाओं और आतंकी वारदातों से निपटने के लिए संघीय आकस्मिक बल के तौर पर हुई थी। इस बल के कमांडो के देश भर में 5 हब हैं, जिसका मुख्य कार्यालय गुड़गांव के मानेसर में है। एनएसजी के क्या हैं कार्य? आतंकवादी खतरों का निराकरण करना, हवा में और जमीन पर अपहरण की स्थितियों से निपटना, बम निरोधक कार्रवाई करना, विशिष्ट परिस्थितियों में आतंकियों से लड़ना और उन्हें निष्क्रिय करना, बंधकों को छुड़ाना। एनएसजी के अधीन राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में हुए विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए राज्यों के अनुरोध पर एनएसजी ने मानेसर में एक राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र स्थापित किया है। यह सुरक्षा बलों के उपयोग और संदर्भ हेतु विस्फोटक एवं विस्फोट की घटनाओं पर एक डेटा बैंक रखता है।